दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जयंती के बहू आने के बाद से ही घर में बहुत रौनक लगी हुई थी। जयंती की बहू को आए काफी ज्यादा समय हो गया था। कुछ दिनों बाद जयंती की बहू उर्मिला कहती है, माँ जी, आज शाम को खाने में क्या बनाना है अभी बता दो, मैं फिर जल्दी से ही खाना बना दूंगी। इतनी जल्दी किस बात की है, अभी तो शाम भी नहीं हुई है और तू रात का खाना पूछने आई है या दिन का? माँ जी, वो मेरी एक सहेली है, उसकी आज सालगिरह है तो उसने बुलाया है, इसलिए मैं आप सबके लिए खाना बनाकर फिर उसके घर चली जाऊंगी। काफी खास सहेली है वो मेरी, इसलिए। खास सहेली है तो चल हम भी चलते हैं ना उसकी सालगिरह में, हमें थोड़ी मना किया होगा। माँ जी, वो हम सारी सहेलियाँ और उसके पति के कुछ दोस्त हैं वहाँ पर, आप बोर हो जाओगी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन कोई बात नहीं, तू चली जा, तू भी तो शादी के बाद से अब तक कभी कहीं नहीं गई है, जाकर अपनी सहेलियों से ही मिल लियो, इसी बहाने तेरा भी मन लग जाएगा। वैसे माँ जी, मेरी भी तो सालगिरह आने वाली है ना, और ये तो मेरी पहली सालगिरह है, तो हम भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे ना, मुझे भी अपने सारे दोस्तों को बुलाना है। माँ जी, हमारे में ये सब सालगिरह वगैरह नहीं होता, जितना खर्चा करना था वो हमने शादी में तो कर ही दिया है ना, तब ये सालगिरह मनाकर पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? मैं किसी की सालगिरह में जा रही हूँ तो मुझे भी तो अपनी सालगिरह में बुलाना ही पड़ेगा ना उन्हें, और पहली सालगिरह है वो तो वैसे भी खास होगी ना। खास क्या है इसमें, इस साल आएगी फिर अगले साल आएगी, हर साल तो आना ही होता है ना, तो खास वाली तो कोई बात नहीं है इसमें, और वैसे भी ये सब अमीरों के चोचले होते हैं, हम लोग ये सब नहीं मानते। माँ जी, यही तो खास है, अब आप ही बताओ, मेरी शादी 29 फरवरी को हुई थी, शादी को 3 साल हो गए हैं लेकिन सालगिरह नहीं आई, और अब इस साल मेरी पहली सालगिरह है। इतने पैसे कहाँ है हमारे पास और अब क्या हर छोटे बड़े दिन को मनाने लग जाएं? माँ जी, अब तो अमीर गरीब अपने खास दिन को और खास करता है, और भगवान की दया से हमारे घर में ठीक ठाक पैसे भी तो आते ही हैं। पैसे आते हैं तो क्या, इसका मतलब पैसों को पानी की तरह बहा दे? ठीक है माँ जी, मैं ज्यादा बड़ी पार्टी की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम छोटी पार्टी जिसमें खास खास लोग हों, बस खाना पीना ये सब तो कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुझे अपनी सहेली की सालगिरह में जाना है तो तू वहाँ जाना, अपनी सालगिरह की खुशियाँ क्यों मना रही है, हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए तो झूठी उम्मीद मत ही लगा। जयंती अपनी बहू की सालगिरह अच्छे से मनाने के लिए पहले ही मना कर देती है, और उर्मिला भी वहाँ से चुपचाप अपनी सहेली की सालगिरह में चली जाती है। वहाँ पर उर्मिला काफी मजे करती है, और कुछ देर बाद उर्मिला वापस घर आती है। कुछ दिनों तक तो उर्मिला अपनी सालगिरह को लेकर कोई बात नहीं करती। कुछ दिनों बाद उर्मिला अपने पति विशाल के पास जाती है और विशाल से कहती है, सुनिए ना, हमारी सालगिरह आने वाली है, 4 साल में एक बार आती है, वो भी पहली सालगिरह है। माँ जी तो मना कर रही हैं मनाने से, लेकिन हम तो अच्छे से मनाएंगे, कह देती हूँ। उर्मिला, तुम भी क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो, अरे ये सब बच्चों के लिए होता है। शादी बड़ों की होती है तो सालगिरह बच्चों के लिए कैसे हुई, और वैसे भी 4 साल में एक बार सालगिरह आती है हमारी, उसमें भी आप और माँ जी मना कर रहे हैं। ऑफिस से छुट्टी तो मिलती नहीं है और तुम बोल रही हो कि सालगिरह मनानी है। अगर आप अपने ऑफिस में ये बोलोगे कि मेरी शादी की सालगिरह है तो छुट्टी ना सही, लेकिन हाफ डे तो मिल ही जाएगा ना। अभी तो टाइम है हमारी सालगिरह में, तो ये अभी से ये सब क्या सोचना, रहने दो, जब सालगिरह आने वाली होगी ना तभी बात करेंगे इस बारे में। बात को तो टाल रहे हो, लेकिन हमारी सालगिरह को भी ऐसे ही मत टाल देना आप, ठीक है ना? पता नहीं यार, तुम्हें अभी ये सालगिरह मनाने का कहां से भूत आ गया है। उर्मिला का जितना मन होता है अपनी पहली सालगिरह मनाने का, उतना ही उसके पति और सास का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी उर्मिला किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि शादी के बाद ये उर्मिला की पहली सालगिरह थी, इसीलिए उर्मिला तो बहुत ही खास तरीके से उसे मनाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उर्मिला तैयार होकर शॉपिंग के लिए जा रही थी, तभी उसकी सास आती है और उर्मिला को तैयार देखकर जयंती कहती है, बहू तो इतना तैयार होकर बाजार जा रही है, अरे सब्जी ही लेने जाना है या कहीं घूमने का प्लान है? माँ जी, वो मेरी सालगिरह आने वाली है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। अरे तुझे पहले ही समझाया था ना कि ये सालगिरह नहीं मनाते हम लोग, लेकिन तो फिर भी। आप तो जानते ही हो ना कि ये मेरी पहली सालगिरह है, और मेरी सालगिरह 4 साल में सिर्फ एक बार आती है।
हाँ सही है, एक दो साड़ी भी ले ही आ। वो पास वाली शारदा काकी है ना, उसकी लड़की की शादी है, वहाँ देने के काम आ जाएगी। थोड़ी ठीक ठाक सस्ती वाली ले आइयो, ज्यादा महंगी मत लाइयो। अब शारदा काकी की लड़की की शादी के लिए साड़ी चाहिए तो खुद ही ले आओ ना, खुद की बहू की सालगिरह मनानी नहीं है और दूसरों की शादी में गिफ्ट देने जा रही है। बहू शादी और सालगिरह में फर्क क्या होता है? अरे तेरा क्या है, शादी तो हो गई थी तो अब सालगिरह पर क्यों समय बर्बाद करना है? पता नहीं किस घर में मेरी शादी हो गई। एक तो 4 साल के बाद अब जाकर मेरी पहली सालगिरह आई है, उसमें भी धूमधाम से तो छोड़ो, आप थोड़ा बहुत भी खर्च करने के लिए मना कर रहे हैं। बहू बस भी कर, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू कुछ भी बोलती जाए। उर्मिला वहाँ से अपनी सास की बात सुनकर चली जाती है अपनी शादी की सालगिरह की शॉपिंग के लिए। उर्मिला की सालगिरह से 2 दिन पहले उर्मिला घर सजाने जा रही थी कि तभी वहाँ जयंती अपनी पड़ोसन शारदा के साथ आती है और उर्मिला को देखकर कहती है, बहू ये तेरे हाथ में क्या है, किसी की बर्थडे पार्टी से उठा लाई क्या? माँ जी परसों मेरी शादी की सालगिरह है इसलिए घर को सजा रही हूँ, आप लोगों को तो कुछ करना नहीं होता तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँ। अरे जयंती तूने बताया भी नहीं, तेरी बहू की सालगिरह है परसों। सालगिरह ही तो है, हमारे समय में तो सालगिरह आती थी लेकिन हम तो इतना नहीं करते थे ना जितना आजकल के ये लोग कर रहे हैं। हाँ बात तो सही बोल रही है, आजकल के लोगों ने तो छोटी छोटी बातों का ही पहाड़ बना दिया। वही तो, मैं भी अपनी बहू को समझा रही हूँ कि अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे, ये सालगिरह क्या है? शारदा काकी आप खुद ही बताओ, एक तो मेरी पहली सालगिरह है, ऊपर से 4 साल में एक बार आती है तो उसमें भी कुछ ना करूं। जा बहू काकी से बहस छोड़ और शारदा काकी के लिए चाय बना कर ले आ, तुझे समझाने लग गए तो रात निकल जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। जयंती इतना बोलकर वहाँ से उर्मिला को रसोई में भेज देती। उर्मिला का पूरा मन खराब हो गया था, उसे अपनी सालगिरह मनानी तो थी लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं था, इसीलिए अब वो अपनी सालगिरह मनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है। 2 दिन बाद जब उर्मिला की सालगिरह आती है तो जैसे ही वो सोती है और रात के 12 बजते हैं, उसकी सास और पति दोनों उर्मिला को सोते हुए उठा देते हैं और हॉल में लेकर आते हैं जहां पूरा घर सजा हुआ था। उर्मिला के दोस्त, आस पड़ोस के लोग सब आए हुए थे। तभी जयंती कहती है, बहू तुझे पहली सालगिरह की खूब बधाई हो। माँ जी आपने ये सब मेरे लिए किया? बहू ये सब तेरी सास ने तेरे लिए किया है, अब तो तू खुश हो गई ना? माँ जी जब आपको मेरी पहली सालगिरह मनानी ही थी तो आप अब तक बार बार मुझे मना क्यों कर रही थी, और विशाल जी ने भी कुछ नहीं बताया। मैं बताना तो चाहता था लेकिन माँ ने मना कर दिया मुझे बताने से। मैं भी तुझे बता देती लेकिन तू कुछ ज्यादा ही खुश थी अपनी सालगिरह को लेकर, इसलिए मैंने तेरे साथ थोड़ा मजाक किया, सोचा बाद में तुझे और खुशी होगी। थैंक यू माँ जी, मुझे तो लगा मेरी पहली सालगिरह बाकी दिन की तरह ही रह जाएगी। अरे ऐसे कैसे मैं अपनी बहू की पहली सालगिरह को ऐसे ही जाने देती, और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब और कुछ भी सोच रखा है आपने? तू तो बस अपनी सालगिरह पर ध्यान दे, बाकी सब तेरी सास की जिम्मेदारी। जयंती अपनी बहू की पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाती है और ये सब देखकर उर्मिला को भी बहुत खुशी होती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।